बारे में भी बता रही हैं कि सभी बच्चे जो रविवार के दिन हम ये अपना काम खुद करते थे, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। लेखिका बता रही हैं कि रविवार के दिन सुबह ही हम इस काम में लग जाते थे, अपने जो जूते होते थे उनको अच्छी तरह से साफ करके उसे पॉलिश करके अच्छी तरह से चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो वो इस तरह से बहुत ही ज्यादा चमक जाते थे। सर्वर इसमें जैसे एक बालक को कहा गया है, जैसे परिवार का कोई और बच्चा, तो लेखिका जैसे अपनी बात किसी और बच्चे से कर रही हैं, तो इसलिए इसमें सर्वर नाम का ये बच्चा वैसे बताया है, लेकिन इस पाठ में उसके बारे में ज़्यादा नहीं कुछ बताया गया। मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू मतलब शूज। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह, आरामदेह मतलब आराम देने वाले। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। छाले मतलब फफोले, जैसे कई बार हम नए शूज़ डालते हैं तो वो हमें कई बार लग जाते हैं, तो उसके साथ हमारे पाँव में छाले वगैरह पड़ जाते हैं, तो ये उसके बारे में बताया है। तो आगे लेखिका इस पैरे में बता रही हैं कि उन्हें बचपन में बूट पॉलिश करना अच्छा लगता था। आगे वो कह रही हैं कि अब तो इस समय जो है कई नए नए किस्म के शूज आ चुके हैं, ये पहले से ज़्यादा आरामदेह थे। पहले जो जूते आते थे वो ज़्यादा आराम देने वाले नहीं होते थे, या कई बार नए जूते होने की वजह से उससे हमें छाले भी पड़ जाते थे, तो उसका भी हम इलाज साथ में शुरू करते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। फर्क मतलब अंतर। तो अब लेखिका आगे क्या कह रही है कि जब कभी कभी वो सभी बच्चों के साथ लंबी सैर पर जाते, सैर करने के लिए जाते, तो अपने साथ वो रुई जिसे हम कॉटन कहते हैं उसे ज़रूर अपने साथ रखते। जब कभी नए जूते डाले होते तो अगर वो हमें चलते चलते कभी लग जाते तो हम उसे उस रुई को उसके अंदर लगा लेते थे। हमारे और तुम्हारे बचपन में, लेखिका कह रही है कि आप बच्चों का जो बचपन है और हमारा जो बचपन था उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। शनिवार, शनिचर मतलब शनिवार, जिसे हम ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल गाढ़ी चिकनाई वाला तेल, ये एक मुश्किल काम था, मुश्किल कठिन। शनिचर को, शनिचर मतलब शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। आगे लेखिका कह रही हैं कि जब शनिवार का दिन होता था तो हमें, हम सब बच्चों को सिर पर तेल लगाने के लिए कहा जाता था, जैतून का तेल या जो गाढ़ी चिकनाई वाला कैस्टर ऑयल होता था वो लगाना पड़ता था। ये उनके लिए बहुत ही कठिन काम था। तो शनिवार को, जब शनिवार का दिन होता था तो सुबह से ही उस तेल की जो सुगंध होती थी वो उनके नाक में आनी शुरू हो जाती थी। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली मतलब उल्टियाँ आनी, वॉमिटिंग जिसे हम कहते हैं। तो इसमें लेखिका ने बताया है कि छोटे शीशे के गिलास, इस तरह का गिलास जिस पर एक निशान लगा होता था कि हम उतना ही उसमें तेल भरेंगे,
तो जब वो उसे देखते तो उन्हें देखते ही उन्हें उल्टी आनी शुरू हो जाती थी, क्योंकि उस तेल की जो खुशबू होती थी वो बहुत ही अजीब सी थी। आगे लेखिका कह रही हैं कि मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती, सेहत स्वास्थ्य। आगे लेखिका बता रही हैं कि अगर हम उस ऑयल को ज़्यादा अपने सिर में या नहीं भी लगाते तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, या हमारी सेहत या स्वास्थ्य पर भी कोई ज़्यादा इसका बुरा असर नहीं पड़ने वाला था। आगे लेखिका कह रही हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारा जो समय था और अब तुम्हारा जो समय है उसमें कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि जो हमारे बचपन की दिलचस्पियाँ मतलब रुचियाँ, जो इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो भी काफ़ी बदल चुके हैं, कि तुम्हारे समय में और हमारे समय में जो भी हमारी रुचियाँ होती थी उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। आगे लेखिका कह रही हैं कि याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन किसे कहते हैं? जैसे हम पुराने समय में संगीत सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह या जिसे हम संगीत सुनते थे वो उसे हम कहते हैं ग्रामोफोन। तो लेखिका कह रही है कि मुझे ये भी याद है कि उन दिनों कुछ घरों में सिर्फ ग्रामोफोन ही होते थे, ना ही उस समय रेडियो वगैरह थे और ना ही टेलीविज़न थे। तो इसलिए हम कभी जब भी हमने संगीत सुनना होता था तो हम वो ग्रामोफोन पर ही सुनते थे। आगे लेखिका कह रही हैं कि हमारे बचपन में जो कुल्फी आइसक्रीम हो गई थी, जो कुल्फी थी वो आइसक्रीम में हो गई थी, और जो कचौड़ी वगैरह हो गई थी वो अब समोसा या पैटीज में बदल गया है। पहले हम कुल्फी खाते थे तो अब वो आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी वगैरह जो होती थी वो अब समोसा या पैटीज में बदल गया है, और शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। कि हमारे उस समय में शहतूत फालसे और खसखस का शरबत होता था जो अब कोक पेप्सी में बदल गया है। आगे लेखिका कह रही हैं कि उन दिनों में कोक वगैरह नहीं होती थी, जैसे कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं वो नहीं होती थी, लेमनेड विम्टो मिलती थी, इस नाम के ही कुछ लिक्विड पदार्थ पीने के लिए मिलते थे। आगे लेखिका कह रही हैं शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को, कि जो हम शिमला हमारे परिवार के जो बच्चे जो शिमला में बड़े हुए थे या नई दिल्ली में बड़े हुए थे, वहाँ पे जो वेंगर्स और डेविको रेस्तरा की चॉकलेट, इस नाम वेंगर्स और डेविको नाम की ये जो चॉकलेट है और पेस्ट्री जो होती थी वो काफ़ी मज़ा देने वाली थी, उसका स्वाद काफ़ी अच्छा होता था। हम भाई बहनों की परिवार के जो जितने भी बच्चे थे भाई बहन थे उनकी ये ड्यूटी होती थी कि वो शिमला में जो मॉल है वहाँ से ब्राउन ब्रेड लेकर आएं। शिमला का मॉल मॉल जहाँ से हमें खाने पीने की या हर और तरह की चीज़ें मिलती हैं। आगे लेखिका कह रही हैं कि हमारा घर जो है वो उस मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी हमें चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ता था और फिर हम वहाँ से सीधे गिरजा मैदान पहुँच जाते, वहाँ से एक फिर हमें उतराई नीचे को उतरना पड़ता था और फिर हम उस मॉल पर पहुँच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी मन भावनी, मन को अच्छी लगने वाली। तो जब हम उस मॉल में जाते थे तो जब हम वहाँ काउंटर पर खड़े होते थे कुछ लेने के लिए या कुछ खरीदने के लिए, तो वहाँ पर जो पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू होती थी वो हमारे मन को बहुत ही अच्छी लगती थी। तो बच्चों, आज हमने यहाँ तक इस पाठ दो को पढ़ा है, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब हम अगली वीडियो में कल अगला जो पाठ है वो करेंगे। धन्यवाद।